निसंतान दंपति के लिए एक तरह से IVF जो तकनीक इजाद हुई वो एक तरह का आप सोचो कि भगवान का दिया हुआ एक बून है। मीन्स जैसे भगवान एक प्रसाद देते हैं वैसे IVF दिया उन निसंतान कपल्स के लिए, जैसे उनको निसंतानता दी वैसे IVF भी दिया। क्योंकि IVF देने से जो निसंतान कपल्स थे, अगर आप पकड़ लो कि 100 निसंतान कपल हैं तो उसमें से एटलीस्ट नहीं तो 80-90% को बच्चे मिल जाते हैं। अब वो बच्चे किस तरह से मिलते हैं? IVF के द्वारा। अब IVF के अलग अलग तरह के तकनीक होते हैं जो हम करते हैं लैब में। मीन्स IVF हम करते हैं खुद के अंडों से करते हैं, खुद के शुक्राणु से करते हैं, एक हम किसी और जैसे दाता अंडे इस्तेमाल करते हैं और हस्बैंड के शुक्राणु होते हैं, दूसरे होते हैं जैसे शुक्राणु किसी और के ले लिए और वाइफ के खुद के अंडे हैं। तो इस तरह के अलग अलग तरह के वेज होते हैं जिससे कि हम IVF करते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है जो बिल्कुल ही जो मेल पार्टनर्स होते हैं, मीन्स जो हस्बैंड्स होते हैं जिनमें स्पर्म ही नहीं आते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी बून है। क्योंकि अगर ये IVF ही नहीं होता, IVF की तकनीक ही नहीं होती तो वो तो कभी बाप बन ही नहीं सकते थे, बिकॉज उनके तो स्पर्म्स हैं वो उनके अंदर ही ट्रैप्ड है। मीन्स बोलने का मतलब कि उनके जो टेस्टिस हैं उनके अंदर उनके स्पर्म्स हैं जो छुपे पड़े हैं। तो एक तरह से हम IVF स्पेशलिस्ट उन स्पर्म्स की खोज करते हैं, खोज कर करके उन जो कपल्स होते हैं उनको हम संतान प्राप्ति की सुख देते हैं। तो IVF तो एक तरह से बहुत बड़ा बून है, उससे बहुत सारे कपल्स हैं जो कि मातृत्व और पितृत्व का सुख भोग सकते हैं और वो सुख भोग रहे हैं, इतने सारे लोग हैं। IVF की जो सक्सेस रेट है वो बहुत हद तक आपकी मतलब बेसिकली स्किल पे डिपेंड करती है, जिस डॉक्टर से आप करा रहे हैं उनका एक्सपर्टीज, जो एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं उनका स्किल, मतलब वो किस तरह से मतलब कितनी ज़्यादा वो काम कर रहे हैं और उनमें कितनी क्षमता है उस काम को करने की। तीसरी चीज़ ये है कि जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो बच्चा बनता है वो एक स्किल होना चाहिए कि वो भी एनवायरनमेंट अच्छे तरह से, एक तो अच्छा एटमॉस्फेयर हो, दूसरा कि अच्छा एटमॉस्फेयर होने के बाद उसको अच्छे तरह से मेंटेन किया गया। और जैसे आप बहुत अच्छा घर तो ले लिए लेकिन आपने उसकी मेंटेनेंस नहीं करी, अगर मेंटेनेंस ही नहीं करी उस घर की तो घर तो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो सेम चीज़ एक IVF लैब के लिए है। तो सबसे पहले वहाँ की IVF लैब, जिस तरह की लैब है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको मेंटेन करने वाले लोग, उनकी स्किल, उनकी तकनीकी क्षमता, जो डॉक्टर हैं और जो एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं उनकी। चौथी चीज़ अब आती है कि जो हम जो स्पेस है उसको तो हमने बना लिया, अब क्या है हमें डालना किस में है? तो डालने के लिए क्या है, वो फीमेल है, फीमेल का वूम यानी कि उसका जो गर्भाशय है वो कैसा है, जिस एटमॉस्फेयर में बच्चा पलेगा। गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय वो स्पेस है जहाँ की बच्चा एक ग्रो करता है, उसका घर है उस 9 महीने के लिए। तो उसकी क्षमता कैसी है वो हमें असेस करना बहुत ज़रूरी है एज डॉक्टर्स। और यूजुअली हम पेशेंट्स को पहले ही बता देते हैं टाइम रहते ही कि भाई तुम्हारा गर्भाशय इसको ले पाएगा या नहीं, या तुम्हें किराए की कोख की ज़रूरत है। तीसरा ये है कि गर्भाशय के अंदर जाने वाली चीज़ें क्या हैं, जैसे कि जो अंडा है और जो शुक्राणु है जो मिल के अंदर गर्भाशय में बच्चा बना के अंदर जाएगा, तो उसकी क्या क्वालिटी है, उसके लिए भी हम आपको बताएं कि तरह तरह के हम प्रोसीजर्स और तकनीक यूज़ करते हैं अपने सक्सेस रेट को एनहेंस करने के लिए, मीन्स बढ़ाने के लिए। और चौथी चीज़ ये है कि जब गर्भाशय के अंदर उस बच्चे को डाल दिया गया तो वो कैसे पलेगा, जैसे कि एक बीज होता है उसको जब हमने रोप दिया, एक पौधे को एक जैसे हमने सॉइल में डाल दिया, तो उसके लिए फिर हमने उसको क्या क्या दिया उसको ग्रो करने के लिए। तो ये बहुत सिंपल है पेशेंट्स के लिए, उन कपल्स के लिए समझना कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो हमने बच्चा मीन्स जो बीज है अगर हमने उसको लगाया एक सॉइल में तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन मीन्स पोषक तत्व आप क्या दे रहे हैं उस फीमेल को जो उसको अपने बच्चे को गर्भ में पाल रही है। तीसरी उसका अपना एटमॉस्फेयर किस तरह का है, मीन्स उसका फिजिकल एटमॉस्फेयर मीन्स गर्भाशय के अंदर का एटमॉस्फेयर, यानी कि उसको ब्लड सप्लाई कैसी जा रही है, उससे ब्लड सप्लाई मिलती है, सोच यानी कि जो हार्मोन लेवल्स बन रहे हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो सोच की वजह से हार्मोन लेवल्स बनते हैं तो वो उसको किस तरह से मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला करके एक IVF साइकिल का सक्सेस रेट डिसाइड करती हैं कि आपका IVF साइकिल सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप सोच के चलें आगे तो ऑब्वियसली आपको पेरेंटहुड का, जिसको बोलते हैं कि माँ बाप बनने की, सुख ज़रूर हासिल होगी।